सभी श्रमिक भाइयों बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। देश के लगभग 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज श्रमिक वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए श्रम व रोजगार मंत्रालय ने आजादी के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नेशनल डाटाबेस तैयार करने का बड़ा फैसला किया, जिसको ई श्रम पोर्टल का नाम दिया गया है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण से कोई भी कामगार भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी योजनाओं का फायदा लेने से वंचित नहीं रहेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को एक डिजिटल ई श्रम कार्ड मिलेगा। ई श्रम कार्ड पर लिखा UAN देश के सभी राज्यों में वैलिड होगा। हमारे देश में असंगठित जो मजदूर हैं उनकी संख्या संगठित मजदूरों से बहुत अधिक है। इनकी संख्या अधिक होते हुए भी इनका ब्यौरा है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। पिछले 3 सालों से ई श्रम पोर्टल के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन इसकी महत्ता तब जानी जब हमारे देश में COVID-19 का आगमन हुआ, जिसमें देश के असंगठित वर्ग के कामगारों को सरकार की स्कीम्स का फायदा देना है तो किसको दें। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे यहाँ पे ये कामगार हैं करोड़ों, उनके सामने ई पोर्टल सामने आ गया है। हम ये पोर्टल का रजिस्ट्रेशन और इस पोर्टल के थ्रू जो भी उनको सुविधाएं मिलेंगी वो पहुंचाएंगे। किसी भी कामगार को अपने घर से बहुत दूर नहीं जाना है पंजीकरण कराने के लिए, उसको 1 या 2 किलोमीटर के अंतर्गत उसको एक कॉमन सर्विस सेंटर, ये सारी सुविधाओं को पाने के लिए मिल जाएगा। हमारे पास देश में तकरीबन 3 लाख से ऊपर CSC सेंटर्स हैं, उन सबको इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमने इन्वॉल्व किया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और वो इसीलिए कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, खुद ब खुद अपने आप या अपने ही किसी मजदूर भाई बहन से भी लेके ही पूरा अपने योजना के बारे में जानकारी मिलेगी और जो सही में लाभ है वो लाभ वो ले पाएगा। इस ई पोर्टल के जरिए से गवर्नमेंट 100% कवरेज देते हुए रजिस्ट्रेशन करेगी तो हमारे देश के वर्कर्स को बेनिफिट ही होगा। देश के कामगार को अगर उसका जो कानूनी हक है उसको ईमानदारी से मिले, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बेहतर काम नहीं हो सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसके जरिए जो तमाम माइग्रेंट वर्कर्स हैं और जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर इसमें शामिल होंगे, और वो स्कीम हम जो भी बेनिफिट्स पहुँचाना चाहते हैं वो एक मैकेनिज्म के तहत पहुंचाए जा सकते हैं। नेशनल डेटाबेस में उनका नाम सम्मिलित होने से उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और उनकी दीन दशा सुधरेगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो उनका राइट है संविधान में कि एक अच्छा जीवन उनको प्राप्त हो सके, वो मिल सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश के असंगठित कामगार इस पोर्टल पर बहुत जल्दी आएंगे और इन सुविधाओं का लाभ लेंगे। इस देश का असंगठित मजदूर जिस दिन खड़ा हो गया, जिस दिन हंसने लगा, जिस दिन मुस्कुराने लगा, वो देश पूरा मुस्कुराने लगेगा, हंसने लगेगा और दौड़ने लगेगा। ई श्रम पोर्टल के द्वारा हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको एक पहचान मिलेगी। तो मेरा इस देश के असंगठित मजदूरों से ये आह्वान है कि आप इस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करें। तो आइए हम सब भारत सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का स्वागत करें। तो आइए ई श्रम से जुड़े, आगे बढ़े और भारत सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का स्वागत करें एवं जल्दी से जल्दी पंजीकरण को पूर्ण करने में सरकार का सहयोग करें। जय हिंद।